चलिए आज एक और नए स्टूडेंट के साथ उनकी सक्सेस जर्नी जानते हैं। नाम है धनंजय चौधरी, जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं। धनंजय को एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। और धनंजय, सबसे पहले आपको एनआईटी इलाहाबाद के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। ये चीजें हो पाई है सिर्फ आपके प्रतीक सर की वजह से। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने हमें पढ़ाया, उसकी वजह से मैं इस समय एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन ले पाया हूँ सर। तो थैंक यू सो मच आपको, प्रतीक सर, दोनों को सर। थैंक यू बेटा धनंजय। धनंजय, मैं चाहता हूं कि क्या होता है, हर बच्चे की लाइफ स्टाइल, हर बच्चे की सक्सेस जर्नी स्टार्ट अलग अलग होता है, तो और वो किसी ना किसी से रिलेट करता है। जैसे आपकी भी सक्सेस लाइफ कुछ अलग होगी कि 11th 12th में आपका क्या सब्जेक्ट था, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर कब आपने निमसेट का मन बनाया और कैसे निमसेट की पढ़ाई की आपने, क्योंकि भोपाल आके पढ़ाई की है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो ये बच्चे सेशन देखें, वो आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी सक्सेस स्टोरी से बिल्कुल एकदम करीब से आपको जान पाए, तो आप बहुत डिटेल में उस चीज को बताइए। जी सर, मैं शुरू करना चाहूंगा वहां से जहां जब मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। मैं घर पे रहता था, भैया के पास लैपटॉप वगैरह थी, तो थोड़ा बहुत ऑपरेट करता था, तो मुझे कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता था। तो 12th के बाद मैंने एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया था CCC का। उसमें जब मैंने एडमिशन लिया तो काफी अच्छा लगा मुझे एक्सपीरियंस करके, कंप्यूटर चलाते कैसे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक चीजें मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था। उसके बाद से मैं सोचा कि कंप्यूटर में इसके आगे क्या क्या करें। तो मैंने सोचा कि कई दोस्तों ने सजेस्ट किया कि IIT की तैयारी होती है कंप्यूटर साइंस से, तुम इंजीनियरिंग कर सकते हो। लेकिन घर में सर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी, भैया जबकि तैयारी कर रहा था कोटा में तो लोड ज्यादा हो जाता पैसे वगैरह का, इस वजह से पापा ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो और देख लो आगे क्या करना है। तो भैया ने मेरा एडमिशन BCOM में करवा दिया। BCOM में मुझे ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर थोड़ा बहुत पता लगा कि BCOM में अकाउंटिंग वगैरह ऐसा होती है, तो उसमें एडमिशन ले लिया। मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा भी नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ा एक ग्रेजुएशन कोर्स की तरह। फिर नॉर्मल पढ़ाई स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत पढ़ता था, थ्योरी वगैरह बहुत ज्यादा थी। तो फिर एग्जाम्स वगैरह BCOM के जब हुए तो कुछ मैंने पढ़ा तो था नहीं साल भर। जब मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट देखा मुझे फेल का। मैं BCOM में फर्स्ट ईयर में फेल हो गया और रिजल्ट आया था May 19 में। और उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आगे करना क्या है, घर वालों को क्या बताऊँ, कैसे करूँ। तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। फिर एक मेरा दोस्त था BCOM में, कोचिंग हम लोगों ने साथ में करी थी, उसने मुझे ये बताया कि अगर तुम्हें कंप्यूटर में जाना है तो तुम नॉर्मल कहीं से BCA कर लो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि कहीं एडमिशन हो नहीं रहे थे, मई का महीना था, तो डिस्टेंस मोड के बारे में मुझे पता चला। तो गोरखपुर में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं गया, पता किया कैसे एडमिशन होंगे। तो सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ। तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई शुरू की, BCA में अच्छी प्रोग्रामिंग वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी, और मैंने फर्स्ट ईयर में BCA को टॉप किया, अपना इंस्टीट्यूट पूरा टॉप किया। तो काफी अच्छा लगा मुझे, एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये फील्ड मेरे लिए बना है, मैं इसमें अच्छा करूंगा। फिर सेकेंड ईयर की पढ़ाई हुई, फिर थर्ड ईयर में आते आते मुझे निमसेट के बारे में पता लगा। हमारे इंस्टीट्यूट के एक दो लड़के भोपाल में जाके पहले से पढ़ाई कर रहे थे, तो उनसे मैंने बात की कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उनने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई होता है, शेड्यूल ऐसे होता है। फिर मैं घर पे मैंने बात की कि मम्मी मुझे भोपाल जाना है और MCA के लिए तैयारी करनी है। तो घर पे कंडीशन बहुत वीक चल रही थी पैसे वगैरह की, तो पापा ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो मेरी मम्मी थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अगर वो नहीं होती तो मैं शायद इस समय NIT इलाहाबाद में नहीं होता। तो उसके बाद से थर्ड ईयर में मैं थोड़ा बहुत, अभी एग्जाम्स मेरे लेट हो रहे थे थर्ड ईयर के, मई जून में नॉर्मली एग्जाम हो जाते थे, लेकिन वो एग्जाम लेट होते गए, वो अगस्त में हुए, और मुझे पता चल गया था मार्च अप्रैल में निमसेट के बारे में। तो थोड़ा बहुत मैंने MCA की एक बुक थी अरिहंत की, उससे लेकर थोड़ा बहुत स्टडी करना शुरू कर दिया था। लेकिन समझ में नहीं आता था कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। चीजें समझ में आती थी आपके लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पर मैंने देख रखे थे, तो उससे थोड़ा बहुत पढ़ता था। तो उसके बाद से उतना हो नहीं पा रहा था, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लासरूम में जाके ही पढ़ना है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो जैसे मेरे एग्जाम खत्म हुए अगस्त वगैरह के, उसके बाद से मैं सितंबर में भोपाल गया, फिर आपसे मिला। और आपने मुझे सर, आपसे मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ ना सर मेरे अंदर, सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू जी सर।
उसके बाद सर मैंने शुरू के तो 1 महीने मुझे कुछ आइडिया ही नहीं लगा, जबकि मैथ से मैं भाग रहा था 12th तक, और 12th के मैंने मैथ्स के एग्जाम बता दूं पूरे रट के दिए सर, रट के पूरे पूरे दिन मैंने पढ़ाई किया, फिर भी मेरे मैथ्स में 12th में 49 नंबर है आउट ऑफ 100। फिर मैं जब मैंने एमसीए का कोर्स के बारे में जाना, सिलेबस के बारे में, वो तो पूरा ही मैथ था। फिर मैं सोचा यार मैथ से कहाँ तक भाग पाऊंगा, फिर सोचा यार ट्राई करते हैं, करना ही है तो करना पड़ेगा सर। तो फिर आपसे मिला, फिर मैथ्स की कोचिंग, फिर आपकी तैयारी स्टार्ट हुई मेरी। उसके बाद से सुबह जाता था आपकी कोचिंग में, फिर शाम तक पढ़ाई, ऐसा करके धीरे धीरे ये जर्नी अभी तक यहाँ तक एनआईटी तक पहुंची है सर। धनंजय बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। सबसे पहले तो आपकी स्टोरी जीरो से हीरो वाली है। नंबर वन थिंग कि बिल्कुल आपका मैथ्स देखो एक तरह से रट के पास किया, यानी एक तरह से आप मैथ्स के स्टूडेंट थे ही नहीं, है ना। किसी यस तरह से सर, 12th मैथ्स पास किया। अब क्योंकि मैथ्स पास कर लिया तो बीकॉम में लिया, बीकॉम में लेके आपको समझ में आया कि यार अपन के लिए नहीं बना। और देखो कई बार कहते हैं ना, कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर यह अधूरी बात है, बिल्कुल उसका सर, पता बाद में चलता। आपका बीकॉम फेल होना बहुत अच्छा हुआ। अगर आप मान लो उस समय फेल नहीं होते तो आप सेकंड ईयर करते, फाइनल करते, और शायद आपको किसी आपकी डेस्टिनी से आप भटक रहे होते ना। तो वो जी फेल सर, होना आपके लिए एक तरह से लैंडमार्क हुआ। तो कई बार जब बच्चे फेल होते हैं, मैं बोलता हूँ इसको दुखी मत मनाओ, हो सकता है कुछ इसके पीछे अच्छा छुपाओ, कुछ ना कुछ यस कल अच्छा सर, होने वाला, वो चीज हुई। अच्छा, बीसीए के दौरान भी, क्योंकि 12th में आपने रोते हुए मैथ्स पढ़ा तो बीसीए में भी बिल्कुल मैथ्स छूट गया। तो उसके बिल्कुल सर, बाद भी, और हमेशा एक चीज होती है, हम जिस चीज से भागते हैं या जिस चीज से डरते हैं वो हमारा पीछा कभी छोड़ती नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसी उसको हमें करना ही पड़ता है। और मैंने खुद यस सर, देखा है कि आपने कैसे जीरो से मैथ्स को डेवलप किया, क्लास में किस ढंग से रेगुलर सुबह आके रात को जाना, वो सब मुझे अच्छे से याद है। और आज देखो आपके सामने उसका एक रिजल्ट भी है। और जो बच्चे ये सेशन सुन रहे यस होंगे वो बिल्कुल इस बात को समझेंगे, जैसे आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद चेंज किया। कई बच्चे ऐसे भी मेरे साथ जुड़े जिनने बीकॉम सेकंड ईयर के बाद, उनको समझ में आया, क्योंकि क्या बीकॉम के बाद एमसीए की लाइनें कम हो जाती है, कॉलेज ऑप्शन यस कम हो सर, जाते हैं। तो आपको ये आपका फेल्यूर जो बीकॉम का था वो आपका सक्सेस बना। मैथ्स वीक था इसलिए आपने उसको स्ट्रांग बनाया। यानी कई बार हमारी लाइफ के वीक पॉइंट हमें पता होते हैं, बस हमें उनको स्ट्रांग बनाने की कमी होती है। और आपकी मदर का यस सर, आपको सपोर्ट मिला, ये आपके लिए सबसे अच्छा हुआ। मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन आपके फेवरेबल हुई, और देखो फाइनली आपको एनआईटी राय वो मिला इलाहाबाद। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। तो आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे स्पेशली मैथ्स से घबराते हैं या जिनको ऐसा लगता है हम नहीं कर पाएंगे उनके, और अच्छा एक और अच्छी बात बताइए, आपने डिस्टेंस लर्निंग से आपने बीसीए किया। कई लोग को मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस लर्निंग से कोई दिक्कत नहीं यस है, सर, निमसेट के लिए एलिजिबल, ऊपर उन्हें लगता नहीं 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 होंगे। आप खुद इसके एक सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो मुझे आपसे ये जानना है यस कि सर, ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता या मैथ्स में डरते हैं, उनको आप क्या सलाह दोगे? उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैथ्स मैथ्स जो है सर, हम लोग की आम जिंदगी में भी मैथ है, सही बात है। वो तो सिर्फ एक टॉपिक में पिरो दिया गया है। एक मैथ्स, एक जो अगर शुरू की बेसिक्स अच्छी होती हैं, अगर हम करना शुरू करते हैं, नॉर्मल सवाल शुरू किए, शुरू के 20-25 दिन अगर हम लोग मैथ लगाना शुरू कर दिए ना, तो मजा लेके सर वो ना आए किसी को मैथ। अगर सर मेरे जैसा स्टूडेंट अगर कोई कर सकता है मैथ में इतना अच्छा, सर कोई भी कर सकता है, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल सही बात बोली। और मैंने इसीलिए बोला आपसे, जैसे क्या होता है जब हमें अपनी कमी पता होती है और हम उसको अचीव कर लेते हैं, तो हमें ये लगता है जब हम कर सकते हैं तो दूसरा क्यों नहीं। तो जो बच्चे सेशन बिल्कुल सुन रहे सर, हैं बिल्कुल ना घबराएं, बस एक राइट डायरेक्शन की जरूरत होती है, समय रहते हुए अपना एक्शन लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक पे वर्क करना। अगर कोई बच्चा बेसिक बिल्कुल बहुत अच्छे से करे तो उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो धनंजय आपसे बात करके बड़ा मजा आया। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? ये सर, मैं जूनियर्स को और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि वो बिल्कुल कैसे करें। तो अगर आप इम्पेटस गुरुकुल में आ गए हैं सर, कोई भी स्टूडेंट इम्पेटस गुरुकुल में आ गया, तो आंख बंद करके सरस सर, प्रतीक सर को फॉलो करें। अगर मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि पॉइंट बाय पॉइंट हर एक बात को अगर सिक्वेंशली मानते गए, तो कोई भी स्टूडेंट इम्पेटस में ऐसा नहीं होगा जो एमसीए में नहीं जा सकता, एनआईटी में नहीं जा सकता है। बस सर, थैंक यू सो मच टू ऑल सर, प्रतीक सर, थैंक आपको यू, सर बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू।